हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायगोनल मेथड। लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने कॉलम मेथड को डिस्कस कर लिया था और उम्मीद भी है आप लोगों से कि आप सभी को कॉलम मेथड अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं डायगोनल मेथड, बिल्कुल आराम से देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने की हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है होल स्क्वायर ऑफ 67। 5 कॉपी करते हैं, ये हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ 67। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 67 में 2 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट होते हैं भाई? 2 डिजिट। तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई? 4 आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे कितने हैं भाई? 1 और 1 2। और अगर इसमें 2 डिजिट्स हैं तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिलेगा भाई? हमें 4 मिलेगा। तो हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसके हम लोग 4 पार्ट्स करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक स्क्वायर बना लिया और अब हम इसके करेंगे 4 पार्ट्स। तो देखिए भाई, ये हो गई एक लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन, और देखिए 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हो गए ना। अब जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हैं सेम वैसे वैसे आप करते जाइएगा। पहले इसके पार्ट करेंगे, फिर ऐसे एक लाइन जाएगी यहाँ से, इसीलिए इसको डायगोनल मेथड बोलते हैं क्योंकि डायगोनल्स का हम लोग यूज करते हैं। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ये स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? बिल्कुल भी नहीं ना। चलिए भाई आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 67, तो हमने ये लिखा 6, फिर हो गया 7, 6 और 7। कितने में कोई समस्या? उम्मीद करते हैं बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी थोड़ा कम समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 का वेट करिएगा, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स आपकी 100% दूर हो जाएंगी। लेकिन वो दूर तभी होंगे जब आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे। अगर आप सोचें कि जल्दी जल्दी नोट कर लें और फिर कंप्लीट कर लें तो कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है ना। तो आप पूरे मन से देखिए और सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देखिए। अब स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, हमें पहले 6 का मल्टीप्लाई 6 से करा के यहाँ पर रखना है, फिर 6 का मल्टीप्लाई 7 से करा के यहाँ पर रखना है, फिर 6 काम हो गया, फिर 7 का मल्टीप्लाई 6 से करा के यहाँ पर पुट करना है, 7 का मल्टीप्लाई 7 से करा के यहाँ पर पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर तो पहले 6 का मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 6 6 36 36 आएगा, तो 3 को यहाँ लिख देंगे और 6 को यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा हो जाता कि हम यहाँ पे बॉक्स बनाए हुए थे और ऐसे कुछ रहा होता, अभी आपको जल्दी से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 24 होता, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होती भाई? ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 2 4 आता, क्या आता भाई? 4। और 4 में केवल 1 डिजिट होती है ना, तो उसको यहाँ पर लिख देते, ठीक है, और ऊपर का जो बॉक्स खाली रह जा रहा था उसमें 0 फिल कर देते, ठीक है। कब? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे सिंगल डिजिट मिल रही, अगर सिंगल डिजिट मिल रही है तो वो डिजिट यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर का जो स्पेस खाली बच रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, देखिए 6 6 36 दोनों डिजिट कंप्लीट हो गए, देखिए 6 7 42, तो 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 7 6 42 ये हो गया, फिर 7 7 49 ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना करने में कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों को कमेंट से ऐसा लगता है कि आप लोगों को हमारी बातें बिल्कुल अच्छे समझ में आती, मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे समझ में आ रही है। चलिए स्टूडेंट्स, अब करना क्या है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे बार करते रहना है आपको। पहले समझ लीजिएगा, एक एरो हमने ऐसे बनाया, एक एरो इस बॉक्स से, देखिए ऐसे, फिर एक इससे, अब एक इससे आएगा, एक एरो इससे आया, अगला एरो इससे आया। ओके स्टूडेंट्स, 9 आया, 9 को हमने यहाँ कॉपी कर दिया। अब इस एरो के लाइन पे जितने नंबर्स है सबको ऐड करना है, देखिए 2 4 6 6 और 2 8, यहाँ पर 8 आ गया, फिर देखिए 4 6 10 4 14, तो यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स 14, यहाँ पे केवल 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। आप एक बार ध्यान रखिए, जैसे ही हमने इनका मल्टीप्लाई करा दिया है उसके बाद ये 6 7 और ये 6 7 का कोई यूज नहीं बचा है ना, तो आप इनको ना यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए, ये जो एरो से एक नंबर आया था यहाँ पे, इसमें केवल सिंगल डिजिट है ना भाई, और अगर सिंगल डिजिट है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे कॉपी कर देंगे। इसमें अगले वाले पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसको भी कॉपी कर दिया। इसमें 2 डिजिट है तो जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन करके यहाँ कॉपी कर लिया, और जितना भी बचा उसके अलावा उसके अगले वाले पे उसको ऐड कर दिया, ये हो गया 3 1 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा 4489। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ना? अगर फिर भी कोई जरा सा प्रॉब्लम रह गया तो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 6 7 लिखा, यहाँ पे भी 6 7 लिखा, मल्टीप्लाई पहले इसका कराएंगे इन दोनों के साथ, देखिए 6 6 36 6 7 42,
फिर 7 का मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। उसके बाद क्या किया स्टूडेंट, देखिए 9 को यहां पे कॉपी किया, फिर 2 4 6 2 8, 8 को यहां कॉपी कर लिया, इसके पास आया तो यहां पे हो गया 4 6 10 4 14, यहां पर आ गया 3। 9 में केवल वन डिजिट था तो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करके यहां कॉपी किया, 8 में भी वन डिजिट है तो यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करके यहां कॉपी कर दिया, यहां 14 था, 14 में यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करके यहां कॉपी कर दिया, 1 बचा, 1 को हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर दिया, आ गया 4, अब इसको टोटली यहां पे कॉपी कर दिया। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टूडेंट्स दिया हुआ 86 का स्क्वायर है, यहां पे होल स्क्वायर ऑफ 86। ओके स्टूडेंट्स, यहां भी देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं भाई, 1 और 1 2 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितने है 4 है ना, तो इसका मतलब हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसके हमें 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो देखिए हमने एक स्क्वायर बना दिया, इसके हमने ये कर दिया 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स बनाने के बाद में हमें इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं क्योंकि मेथड का नाम ही डायगोनल मेथड है। तो देखिए एक ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया, फिर अगला डायगोनल यहां से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक डायगोनल ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर वही कहानी 86 है तो 8 यहां पर 6 यहां पर, 8 यहां पर 6 यहां पर, मतलब इधर भी 86 और इधर भी 86 मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 8 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 64, तो हमने 64 ये लिख दिया, 8 का मल्टीप्लाई 6 से तो 8 6 जा 48, 48 ये लिख दिया, 6 का मल्टीप्लाई 8 से तो हो जाएगा 6 8 जा 48, 48 यहां पे आ गया, 6 का मल्टीप्लाई 6 से तो 6 6 जा 36 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इतने में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी, तो करेंगे क्या बच्चों, ये एक एरो बनाया, एक एरो आएगा इस वाले डायगोनल से, तो एक एरो ये आ गया, अगले एरो आएगा इस वाले डायगोनल से, तो ये एक एरो आ गया और एक एरो आएगा इस वाले डायगोनल से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डायगोनल्स के नंबर को ऐड करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 है तो यहाँ पे 6 कॉपी कर दिया, यहाँ देखिए 8 8 3 11 11 और 8 19, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे ये नंबर सब कॉपी कर रहे हैं तो देखिए एक डायगोनल ये है दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है, तो इन डायगोनल के बीच में ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर दिया, और जब यहां पहुंचेंगे तो देखिए यहां पर 4 है फिर 4 है फिर 4 है, मतलब इन दो डायगोनल्स के बीच के नंबर्स हमें ऐड करने हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या भाई देखिए, पहले हमने ये 6 को कॉपी कर दिया, फिर एक डायगोनल ये है और इसके जस्ट बाद डायगोनल ये है, इन दो डायगोनल्स के बीच में नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं भाई, 8 3 और 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 3 11 11 और 8 19 19 नोट कर दिया यहाँ पे। फिर देखिए इसके बाद यहाँ इस डायगोनल तक पहुंच गए, इसके बाद ये डायगोनल आ रहा है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कौन कौन से नंबर है भाई, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पहुंच गए और इस डायगोनल के बाद केवल और केवल 6 लिखा हुआ है। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए लास्ट नंबर पे तो केवल सिंगल डिजिट है, तो हम लोग इस डिजिट को यहाँ कॉपी कर देंगे, उसके बाद में नेक्स्ट डायगोनल में पहुंचे तो उसका यूनिट डिजिट 9 है, 9 यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर हमें क्या मिला 1, 1 को हम लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12 और 1 13, क्लियर, 13 में जो यूनिट डिजिट मिला उसको यहाँ से कॉपी कर देंगे इस जगह पे, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 को लाके हम लोग उसके आगे वाले नंबर पे ऐड कर देंगे, 617 हो गया, 7 यहाँ नोट कर दिया और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स डायगोनल मेथड बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस केवल आपको कॉन्सेंट्रेट होकर उसको समझना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ठीक है। फिर से देखिए किया गया, हम लोगों ने 86 यहाँ पे नोट किया, 86 यहाँ पे नोट किया, 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, अब 6 का मल्टीप्लाई कराया 6 8 जा 48 और 6 6 जा 36, ठीक है। अब देखिए डायगोनल वाइज इनको ऐड करेंगे, एक डायगोनल ये है तो इसके नीचे नंबर 6 था, एक डायगोनल ये है दूसरा डायगोनल ये है, इन दो डायगोनल्स के बीच में 3 नंबर्स है 8 3 8, इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 19, फिर ये इस डायगोनल पे पहुंचे और ये डायगोनल देखा, इन डायगोनल्स के बीच में 4 प्लस 4 प्लस 4 था तो 12 यहां पे आ गया, 6 हमने यहां कॉपी किया, ये इस नंबर पे केवल वन डिजिट है इसलिए इसको यहां कॉपी कर दिया अंडरलाइन करके, नेक्स्ट नंबर पे आया तो यहां पे हमें 19 मिला, 19 का यूनिट डिजिट 9 है और इसको हमने अंडरलाइन करके यहां पर नोट कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा, जो भी एक्स्ट्रा बचेगा, 2 डिजिट बचे हैं 3 डिजिट बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देंगे, तो 12 था 12 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 13, 13 में यूनिट डिजिट जो 3 था उसको हमने अंडरलाइन करके यहाँ कॉपी कर दिया, 1 बचा, 1 को हमने नेक्स्ट पे स्टेप पे ऐड कर दिया तो 6 और 1 हो गया 7, 7 यहाँ पे कॉपी कर दिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए इस नंबर में 1 2 3 3 डिजिट्स है ना, तो हम लोग 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 9, तो अब की बार हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसके हमें 9 पार्ट्स करने पड़ेंगे, ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं जल्दी से।
थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन बड़ा होगा नहीं, प्रोसेस पूरा सेम है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए हम इसके 3 पार्ट्स पहले ऐसे करते हैं वर्टिकली, 1 2 3, और 3 पार्ट्स करेंगे हॉरिजॉन्टली, 1 2। ओके देखिए 1 2 3 हो गए, 9 पार्ट्स हो गए। लेकिन अभी हमें डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, तो डायगोनल ड्रॉ करेंगे। देखिए एक डायगोनल ये ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऐसे और ऐसे जाएगा, उसके बाद में यहां पर आ गए, नेक्स्ट में ऐसे बना दिया और ये ऐसे पहुंच गया, और लास्ट में ये ऐसे हो गया। ओके देखिए सभी डायगोनल्स ड्रॉ हो गए ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बॉक्सेस हमें कितने बनाने हैं, पहले 1 2 3, 3 डिजिट हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 आ गया। तो हमें 9 पार्ट्स करने थे एक स्क्वायर के, हमने 9 पार्ट्स कर दिए। अब देखिए नंबर्स वैसे नोट करेंगे, लिखा है 137, तो नोट कर दिया 137, और यहां पर भी आ गया 137। ओके स्टूडेंट्स चलिए मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 1 1, और 1 में केवल 1 डिजिट होता है, इसलिए इसको यहीं पे नोट करेंगे। ऊपर का बॉक्स खाली रह रहा है, इसलिए वहां पे 0 पुट कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्या समझे भाई? 1 1 1 यहाँ पे लिख दिया, उसमें सेकंड डिजिट नहीं था तो वहां 0 पुट कर दिया। 1 3 3 3 यहाँ पुट किया, सेकंड डिजिट नहीं है 0 लगा दिया। 1 7 7 7 यहाँ पुट किया और नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो 0 पुट कर दिया। इसके बाद ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, 3 1 3, फिर से 1 डिजिट आया, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। 3 3 9, फिर से 1 डिजिट आया, यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई 7 से कराया, 3 7 21, अब 2 डिजिट हो गया ना, अब 2 डिजिट्स हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ओके फिर देखिए 7 का मल्टीप्लाई 1 से कराया, 7 1 7, सेकेंड डिजिट तो है नहीं, 0 पुट कर दिया। 7 का मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे तो 7 3 21, 2 डिजिट्स आ गए ना, तो 2 यहाँ पुट कर देंगे और 1 यहाँ पुट कर देंगे। 7 को मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे, 7 7 49, यहाँ पे हो जाएगा 49। ओके स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे क्या स्टूडेंट्स, इनको डायगोनल वाइज ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पे 9, और इस डायगोनल और इस डायगोनल के बीच में नंबर से 1 4 और 1, तो 1 4 5 5 और 1 6, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 6। इसके बाद देखिए एक ये डायगोनल है, दूसरा ये डायगोनल, इन दोनों के बीच में नंबर कौन कौन से हैं, 7 2 9 9 9 18 18 और 2 20 20 और 7 27, तो यहाँ पर तो आ जाएगा स्टूडेंट्स 27। इस डायगोनल की बात करेंगे तो यहाँ देखिए 0 में 3 ऐड करेंगे, 3 और 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 6। इसके बाद जाएंगे नेक्स्ट डायगोनल पे, तो यहाँ पे केवल 1 है और सिर्फ 0, तो इस डायगोनल से तो केवल हमें 1 मिलने वाला है, और इस डायगोनल से सिर्फ मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस नंबर पे तो केवल 1 डिजिट है, इसलिए 9 को केवल अंडरलाइन करके यहाँ कॉपी कर दिया। नेक्स्ट पे आया तो वहां भी केवल 6 है, तो 6 को कॉपी कर दिया। नेक्स्ट पे आया तो देखिए इसका यूनिट डिजिट 7 है, 7 को कॉपी कर दिया, और 7 कॉपी करने के बाद हमारे पास बच रहा है 2, तो 2 को हमने 6 में ऐड कर दिया अगले स्टेप में, तो 6 और 2 हो गया 8, 8 यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसके बाद अब यहाँ कोई डिजिट बच तो नहीं रहा, तो जब बच नहीं रहा तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो 1 था तो 1 ही रह जाएगा, और इसके पहले नोट कर लेंगे 0। अब देखिए स्टूडेंट्स किसी भी नंबर के पहले 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो इसमें हम 0 को यहाँ से हटा देते हैं, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को 18769। स्टूडेंट्स अगर आपको डायगोनल मेथड समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, 100% आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल आराम से आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 18769। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। फिर से देखिए 256 में है 3 डिजिट्स, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, फिर से हमें स्क्वायर बनाना है। लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा कि हमें इसमें 9 बॉक्सेस करने हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 9 बॉक्सेस। ठीक है अब डायगोनल से ड्रॉ करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, एक ये डायगोनल हो गया, देखिए एक ऐसे जाएगा, फिर उसके बाद डायगोनल्स ऐसे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद अगला डायगोनल ऐसे जाएगा, उसके बाद ऐसे, इस तरीके से डायगोनल कंप्लीट हो गया। अब डिजिट्स कॉपी करेंगे, देखिए 256 और यहां पे भी 256। ओके मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं, देखिए 2 2 4, सिंगल डिजिट आया यहां पे लिख दिया, यहां 0 हो गया। 2 5 10,
टू डिजिट होंगे 10 में, तो 1 यहां नोट कर देंगे, 0 यहां नोट कर देंगे, 2 6 जा 12, तो 1 यहां पर, 2 यहां पर, 5 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 5 2 जा 10, 1 यहां पे, 0 यहां पे, 5 को मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 को मल्टीप्लाई 6 से तो 5 6 जा 30, 6 को मल्टीप्लाई 2 से तो 6 2 जा 12, 6 को मल्टीप्लाई 5 से तो हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 को मल्टीप्लाई 6 से तो हो जाएगा 6 6 जा 36। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अंदर जो भी नंबर फिल करने थे वो हम लोगों ने फिल कर लिए। अब काम बचा है सिर्फ इनको डायगनल वाइज ऐड करने का। तो चलिए भाई डायगनल वाइज इनको ऐड करते हैं। तो इस डायगनल में तो केवल एक ही नंबर है 6। नेक्स्ट डायगनल की बात करें तो 0 में 3 ऐड करेंगे, 3 3 में 0 ऐड कर देंगे तो यहां भी 3 आ जाएगा। नेक्स्ट डायगनल की बात करते हैं, ये डायगनल है भाई, तो देखिए 2 2 3 5 5 5 10 10 3 13 13 टू 15 यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 15। इस डायगनल पे जब आएंगे तो यहां पर देखेंगे अगर स्टूडेंट्स हम लोग, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 1 4, यहां पे आ जाएगा 4। इस डायगनल पे जब आएंगे तो 1 4 5 5 1 6, इस डायगनल की बात करेंगे तो यहां पे तो सिर्फ 0 आने वाला है ना। अब हमें इस 2 5 6 और 2 5 6 से कोई मतलब नहीं है। अब इनके स्टूडेंट अंडरलाइन करके नोट करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा देखिए 6 केवल यूनिट डिजिट ही है इसमें, इसलिए यहां पे 6 नोट कर दिया। फिर आए यहां पे देखिए 3 है, टू डिजिट्स तो है नहीं, तो जो सिंगल डिजिट है सिंगल डिजिट को ऐसे ही कॉपी कर देंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 5 है, 5 को यहां पे नोट कर दिया, 1 यहां पे बच गया है ना, तो 1 को हम लोग इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे ऐड कर देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 को अंडरलाइन कर दिया यहां पे, इसको नोट कर दिया। अब देखिए 5 के पहले कोई डिजिट बच तो रहा नहीं, अगर बचता तो इसमें ऐड कर देते, कोई बचा नहीं इसलिए हम लोग 6 में कुछ ऐड नहीं करेंगे और जो 6 था वो अपनी जगह पे वैसे ही आ जाएगा। उसके पहले 0 है और 0 स्टार्टिंग में लिखते नहीं स्टूडेंट्स, जब उसको लिखते नहीं है तो फिर हमें उसको लिखने की जरूरत है भी नहीं, तो आंसर इसका हो जाएगा 65536। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 से हमने खत्म कर ली। अब बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3D की तरफ मगर नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी स्टूडेंट्स नए हो हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिनको भी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।